कलर कॉस्मेटिक मेबलिन फेसेस लैक्मी नाइन प्लस कलर बार स्किन केयर में ओशिया वाओ रिच फील रागा और भी बहुत कुछ जो आपको मदद करे और भी खूबसूरत दिखने में। पायल ब्यूटी कॉर्नर मनपा की कार्रवाई या दादागिरी। कार्रवाई के नाम पर हॉकर्स पर जोर। कार्रवाई में हॉकर्स की गाड़ियां पलट दी गई। आंखों में आंसू लिए हॉकर्स बेबस नजर आए। आखिर कौन सुनेगा इन हॉकर्स का डर। महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज ठाणे महानगर पालिका ने आज हॉकर्स पर कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में मुंब्रा प्रभाग समिति के AMC सागर सालुंके जितेंद्र साबले की मौजूदगी में गुलाब पार्क मार्केट से कौसा तक ये कार्रवाई की गई है। हम कार्रवाई के खिलाफ नहीं हैं, मगर कार्रवाई के तरीके से की जानी चाहिए। गरीब हॉकर्स बेचारे आंखों में आंसू लिए अपनी रोजी रोटी के जरिए जिसे बेचकर अपने बच्चों का पेट पालते थे, उनके सामानों को मनपा के अधिकारी कर्मचारियों ने कैसे बीच सड़क पर फेंक दिया। कम से कम हाथगाड़ी से इन्हें अपना सामान तो उठा लेने देते, फिर हाथगाड़ी ले जाते, मगर नहीं, खाने पीने की चीज़ों को किस तरह से सड़कों पर फेंक दिया गया। एक तरफ 10,000 रुपये हॉकर्स को दिए जा रहे हैं लोन पर कि ये धंधा अपना कारोबार शुरू करें और पैसे इन्हें दिए जा रहे हैं, मगर वहीं दूसरी तरफ मनपा का एक अलग ही चेहरा सामने आ रहा है। ये हॉकर्स पर कार्रवाई करने के दौरान इनके सामानों को जैसे सेब टमाटर पपैया गाड़ी से फेंक दिया जा रहा है, यानी गाड़ी ही इनकी पलटी कर दी जा रही है। कम से कम मनपा अधिकारियों को इतना सोचना चाहिए कि लोग दाने दाने को इस कोरोना काल में मोहताज हैं और ये कार्रवाई के नाम पर मनपा के अधिकारी हॉकर्स पर जुर्म ढा रहे हैं। गाड़ियां पलट दी जा रही है, धक्का मुक्की तक की जा रही है। क्या ये ठीक है? अवैध तरीके से अगर हॉकर्स रोड के किनारे धंधा लगाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई करें, जो जुर्माना होता है वो जुर्माना ले, मगर इस तरह हॉकर्स पर जुर्म आखिर कब तक? आपको क्या लगता है? क्या इस तरह की कार्रवाई से आप सहमत हैं? क्या इसी तरह कार्रवाई के नाम पर हॉकर्स पर जुर्म ढाया जाए? इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल गलत है। हॉकर्स चीखते चिल्लाते रह गए, आंखों से इन गरीब हॉकर्स के आंसू छलक आए, मगर मनपा अधिकारियों को इन पर ज़रा भी रहम नहीं आया। इस मंदी के दौर में दो वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए इसी धंधे से ये हॉकर कमा कर जब अपने घर ले जाते हैं तो इनका घर का चूल्हा जलता है। और इसी धंधे पर मनपा ने ऐसी कार्रवाई की, खुद देखिए, वीडियो देखिए और फैसला कीजिए कि क्या मुंब्रा शहर में एक गरीब हॉकर्स अपने परिवार का पेट पालने के लिए धंधा नहीं लगा सकता। अगर नहीं लगा सकता तो फिर उस हॉकर के लिए हॉकर्स जोन क्यों नहीं बना कर दिया जा रहा है? क्या सिर्फ नेता वोट लेने के लिए शहर में आते हैं? हॉकर्स जोन उन्हें कौन बना कर देगा? जरा ये वीडियो देखिए और खुद तय कीजिए कि क्या मनपा की इस तरह की कार्रवाई ठीक है। Thank you.
अरे साहब क्या पंचायत है, इतना पैसा नहीं, इतना पैसा नहीं है साहब। अरे ये क्या मतलब हुई क्या गाड़ी पलट देने आप?